दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपकी व्हाट्सएप में आपको भी इस तरह का एरर शो हो रहा है, जब भी आप अपने व्हाट्सएप में अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अगर इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू यूज दिस अकाउंट, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको भी आ रही है तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को इसका कारण बताऊंगा कि आपके व्हाट्सएप में ये एरर क्यों आ रहा है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस एरर को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं और अपने उसी नंबर से व्हाट्सएप में आप लॉगिन किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि व्हाट्सएप में आपको इस तरह का एरर क्यों देखने को मिल रहा है। तो इसका कारण यह दोस्तों कि जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में ऑफिशियल व्हाट्सएप के अलावा FM व्हाट्सएप, GB व्हाट्सएप, इस तरह की और भी थर्ड पार्टी व्हाट्सएप एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो अगर ऐसी किसी एप्लीकेशन का आप अभी तक यूज कर रहे थे अपनी व्हाट्सएप को यूज करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में व्हाट्सएप अब काफी स्टिक हो गया दोस्तों। अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर रहे थे तो उसी वजह से आपका अकाउंट यहाँ पे बैन किया गया और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको इस नंबर से व्हाट्सएप यूज करना है तो आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना होगा। तो एक रीजन तो इसका ही हो गया। तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन तो यही है कि आप अपनी उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए और व्हाट्सएप की ऑफिशियल एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, तो काफी ज्यादा चांस है कि आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिंग हो जाएगा। अब अगर आपने पहले से कोई दूसरे नंबर से ऑफिशियल एप्लीकेशन में अकाउंट बना रखा है तो व्हाट्सएप बिजनेस वगैरह का यूज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का एक नया अपडेट आ गया जिसमें कि आप अपनी ऑफिशियल व्हाट्सएप में अपने मल्टीपल नंबर को ऐड करके रख सकते हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब काफी दोस्तों को लेकिन ये भी प्रॉब्लम आ रही है, उनका ये कहना है कि हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लॉगिंग नहीं थे बल्कि व्हाट्सएप की ऑफिशियल एप्लीकेशन को यूज कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका भी कारण ये दोस्तों कि भले ही आप अभी प्रेजेंट में ऑफिशियल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपने कभी ना कभी पास्ट में किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन GB व्हाट्सएप वगैरह को जरूर यूज किया होगा और उसी की वजह से व्हाट्सएप आपको ये पनिश कर रहा है। तो पहला तो तरीका ये है कि आप ऑफिशियल एप्लीकेशन में लॉगिंग करके देखिए, लेकिन अगर आपकी ऑफिशियल एप्लीकेशन में भी लॉगिंग नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करना, चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको यहां से देख लेना अपनी व्हाट्सएप से, इसके बाद आपको गूगल पे चले जाना है और गूगल पे जाने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है दोस्तों व्हाट्सएप सपोर्ट, इस तरह से आपको व्हाट्सएप सपोर्ट लिख के सर्च कर देना है। तो जो भी आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप का, आपको इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो व्हाट्सएप का जो सपोर्ट पेज है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले को सिलेक्ट करना व्हाट्सएप मैसेंजर सपोर्ट, और इसके नीचे एक ब्लू कलर का आपको लिंक मिल रहा है, कॉन्टेक्ट अस मिलेगा या फिर हिंदी में होगा तो आपको हमसे संपर्क करें के नाम से मिलेगा, आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया सिलेक्ट है तो मैं इंडिया को रहने दूंगा, अगर आप किसी और कंट्री से है तो आपको अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस मोबाइल नंबर से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक वर्किंग ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस आपको वही देना है दोस्तों जो कि वर्किंग हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस पर आपको मेल के द्वारा सूचित किया जाएगा। इसके बाद अगेन आपको अपना ईमेल यहाँ पे एंटर कर देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेल यहाँ पे एंटर कर दिया। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप इस व्हाट्सएप को कौन सी डिवाइस में यूज कर रहे थे, एंड्रॉइड में कर रहे थे, आईफोन में कर रहे थे, डेस्कटॉप वेब में कर रहे थे या किसी अन्य में। आप जिस डिवाइस में यूज कर रहे हैं उसको आपको सिलेक्ट रहने देना, तो मैं एंड्रॉइड में कर रहा था तो मैंने एंड्रॉइड सिलेक्ट रख लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना, तो मैसेज में आपको जो कुछ भी लिखना है दोस्तों मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सिंपली आपको वहां से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद ये मैसेज आपको पूरा एडिटेड ऐसे ही रहने देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ नीचे बॉटम पे आना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस मोबाइल नंबर में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर कर देना जिस नेम से आप यहाँ पे व्हाट्सएप यूज कर रहे थे, तो चलिए मैं यहाँ पे नेम भी एंटर कर देता हूँ, ये मेरा फ्रेंड का नंबर है। इसके बाद में यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आएंगे और नीचे सबसे बॉटम पे देखिए आपको बटन मिल रहा अगला स्टेप, यानी कि नेक्स्ट स्टेप आपको इस पे टैप करना है। जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे आपको बटन मिल रहा सवाल भेजे यानी कि सेंड रिक्वेस्ट, आपको इस पे टैप कर देना है। जैसे आप इस पे टैप करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने मैसेज आ चुका है, आपका सवाल भेज दिया गया है, हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद, हम ईमेल के जरिए आपको जवाब देंगे, इसमें 3 दिन लग सकते हैं, यानी कि अब व्हाट्सएप की जो टीम है वो आपके अकाउंट का रिव्यू करेगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको 3 दिन के अंदर यहाँ पे सोल्व कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको भी व्हाट्सएप में कुछ इसी तरह का एरर शो हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू यूज दिस अकाउंट प्रॉब्लम को, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा
और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोग के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।